ओके स्टूडेंट, आप क्लास फोर, क्लास फोर के बच्चे असेसमेंट फोर, जो असेसमेंट फोर है उसका क्वेश्चन फोर तक पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन फाइव से करवाते हैं। जैसे द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्नामेंट्स दैट रश्मि हैज। फिर से पढ़ लो बच्चों, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्नामेंट्स दैट रश्मि हैज। रश्मि के पास जो अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट हैं वो नीचे की तालिका व्यक्त करती है, शो करती है, दिखाती है। मैं के बार ग्राफ, एक बार ग्राफ बनाना है यूजिंग द टेबलो डाटा, टेबलो डाटा का प्रयोग करते हुए। जैसे एक्सेसरीज में हैं, यानी ऑर्नामेंट्स में कौन कौन से हैं, ईयर रिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, फिर हेयर बैंड्स हैं, तो इनकी संख्या भी नीचे दी गई है कि जैसे इनके नंबर्स क्या हैं, ईयर रिंग्स 23 हैं, बेंगल्स 45 हैं, ब्रेसलेट्स 15 हैं, नेकलेसेस 40 हैं और हेयर बैंड्स 52 हैं। तो आप जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जिसे यक्स एक्सिस बोलते हैं, उस पर एक्सेसरीज दिखा दीजिएगा, ईयर रिंग्स, बेंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस एंड हेयर बैंड्स के। और ऊपर जो है, जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है उस पर नंबर ऑफ एक्सेसरीज दिखा देना। तो जैसे 23 स्मॉल बॉक्सेस काउंट कर लेना और वन बॉक्स को, वन स्मॉलेस्ट बॉक्स को आप वन आइटम मान लेना, तो ऐसे 23 के लिए 23 बॉक्सेस काउंट कर लेना, बेंगल्स के लिए 45 बॉक्सेस काउंट कर लेना, ब्रेसलेट्स के लिए 15 बॉक्सेस काउंट कर लेना, नेकलेसेस के लिए 40 बॉक्सेस काउंट करके, हेयर बैंड्स के लिए 52 बॉक्सेस काउंट करके उनको जो है सेट कर देना, कलर कर देना। तो इस तरह से इनका बार ग्राफ तैयार हो जाएगा। यहाँ जो है स्टडी द टेबुलर डाटा गिवन, यहाँ जो है टेबुलर डाटा जो दिया गया उसको स्टडी कीजिए, एंड मेक ए की ऑफ द पाई चार्ट, और उसमें जो है पाई चार्ट बनाना है, उसके लिए एक की बनानी है। आल्सो फिल इन द नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव फोर आइटम्स इन द पाई चार्ट, और पाई चार्ट में जो भी फोर आइटम्स हैं उनके नंबर भी लिख देने हैं, बता देने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है स्प्रिंग रोल्स हैं, स्प्रिंग रोल्स की संख्या भी जो सबसे ज़्यादा दी है 34, तो यही पार्ट आपका सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ स्प्रिंग रोल्स 34 लिख देंगे। फिर आपका जो ये है कि मतलब कलर भी लिख देना, इस कलर की ये चीज़ें व्यक्त करती हैं, उस कलर की वो चीज़ें, जैसे येलो कलर में आप लिख देंगे क्या, स्प्रिंग रोल्स, फिर ब्रैकेट क्या लिख देंगे 34। फिर ऐसे बर्गर्स को आप वायलेट कलर में लिख देंगे, बर्गर्स वायलेट कलर को शो कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 13। ऐसे मसाला डोसा को जो है आप स्काई ब्लू कलर लिख लेंगे और उसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे 28। ऐसे ऑरेंज कलर में आपका पैटीज है तो पैटीज लिखने पर ब्रैकेट में लिख देंगे 6, ये सबसे कम है। फिर इसी तरह से फ्राइड नूडल्स जो हैं 19 है, इसको ग्रीन कलर से शो कर देंगे, तो आपका ये की हो जाएगा और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि क्लास फोर्थ के बच्चे आज पूरी तरह से अपनी मैथ की बुक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनका ओनली एंड ओनली रिवीजन वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। थैंक यू वेरी मच। सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपी जल्दी जल्दी पूरा करके कल तक जमा कर दें, जिससे सारे कौन बच्चे क्या पढ़े हैं वो भी पता चल जाए।